नमस्कार। इस लॉकडाउन पीरियड में गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस का आप पालन करें, घर में रहे, स्वस्थ रहे और डेली कुछ क्रिएटिव सीखते रहे। स्वागत है सबका डीएस मैथमेजिक में मैचिस्टिक पजल के साथ। इस पजल में तीन मैचिस्टिक को मूव कीजिए और तीन स्क्वायर बनाएं। आपका समय शुरू होता है अब। कुछ इस तरह से टॉप लेफ्ट से एक स्टिक को आप मूव करके साइड में एडजस्ट करेंगे, एक और लेफ्ट से स्टिक को एडजस्ट करेंगे और एक बॉटम से स्टिक को मूव करके इस तरह से तीनों को एडजस्ट करेंगे कि तीन स्क्वायर सेम साइड के आपके सामने। एक मैच स्टिक को मूव करके ऐसे एडजस्ट करो कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। कुछ इस तरह से जो सेकेंड नाइन है उसको बनाएंगे जीरो। सो नाइन प्लस जीरो दैट इज इक्वल्स टू नाइन। एक और सेम पजल, मूव वन स्टिक एंड मेक द इक्वेशन करेक्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कुछ इस तरह से होगा, सिक्स से एक स्टिक को मूव करके वन में शिफ्ट करेंगे। सो फाइव प्लस सेवन इक्वल्स टू ट्वेल्व। दो स्टिक को मूव करना है और इसको फोर बनाना है। आपका समय शुरू होता है अब। फर्स्ट स्टिक से बनाएंगे फाइव, एक और वन है सिक्स माइनस टू दैट इज इक्वल्स टू फोर। ग्लास का बिना शेप चेंज किए हुए दो मैच स्टिक को ऐसे मूव करो कि जो चेरी है वो ग्लास के बाहर हो जाए। इसके अंदर दो अपर मैचिस्टिक है उसको बॉटम की तरफ शिफ्ट करेंगे जिससे बिना शेप चेंज किए हुए चेरी बाहर हो जाएगी। एक मैचिस्टिक को मूव करना है और इस इक्वेशन को करेक्ट बनाना है। आपका समय शुरू होता है अब। तरह से जो दो है उसको बना देंगे तीन, थ्री इंटू टू दैट इज इक्वल्स टू सिक्स। रोमन में एक फ्रैक्शन गिवन है वन सेवंथ, वन डिवाइड बाई सेवंथ। एक स्टिक को मूव करके वन बनाना है। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में जो सेवन है वहाँ से एक स्टिक को मूव करके अंडर रूट का साइन बनाएंगे। सो वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन दैट इज इक्वल्स टू वन। इस पजल में तीन मैच स्टिक को मूव करना है और दो ब्यूटीफुल स्क्वायर बनाने हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इस स्पाइरल से तीन मैचस्टिक को इस तरह से मूव करेंगे
कि दो ब्यूटीफुल स्क्वायर बन जाएंगे। एक बार फिर, फोर मैचिंग स्टिक को मूव करना है, तीन स्क्वायर बनाने हैं। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही इजी पजल है। टॉप राइट से दो स्टिक को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे और बॉटम लेफ्ट से दो को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो तीन स्क्वायर बन जाएंगे, दो बड़े और एक छोटा। एक मैच स्टिक को मूव कीजिए, इक्वेशन को करेक्ट बनाइए। आपका समय शुरू होता है आप। आंसर के लिए जो फर्स्ट एट है वहाँ से एक मैच स्टिक को मूव करके जो लास्ट में जीरो है उसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एट। 9 + 3 = 12 - 4 दैट इज इक्वल टू 8। मूव वन मैच स्टिक एंड मेक द स्क्वायर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। के आंसर के लिए जो टॉप स्टिक है उसको स्लाइटली अपवर्ड मूव करेंगे जिससे सेंटर में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। देखिए, आप थोड़ा जूम करके देखिए इसको। दिस इज द स्क्वायर। एक और इंटरेस्टिंग पजल आपकी स्क्रीन पे ये रही। Remove six matchstick and make three square. Your time start now. कुछ इस तरह से आप सिक्स स्टिक को मूव कर सकते हैं। अंदर के से टू, इस साइड से टू और फिर इनसाइड जो स्क्वायर है वहाँ से टू। इस तरह से तीन स्क्वायर बन गए, एक छोटा सा, एक उससे बड़ा और एक और बड़ा। यह है आपका चैलेंज। आप खुद सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। किसी एक स्टिक को मूव करना है और दो ट्रायंगल से 4 ट्राइंगल बनाने हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ।